लड़का अगर हमें टच कर तो हम ऑन द स्पॉट दो गाल के नीचे लगा के दे सकते हैं, पर जो चीजें अभी हो रही है वो देख के तो ऐसा लगा कि अब हम खत्म, लाइक कोई सेफ्टी नाम की चीज ही नहीं है। वो रात भर अपनी नींद त्याग कर, अपनी फैमिली टाइम को त्याग कर वो क्या कर रही थी? वो लोगों की सेवा कर रही थी। आपकी जो दर्द है वो कम करने वो गई थी वहां पे, लेकिन आपने उसको क्या दिया तोहफे में? उसकी बलात्कार किया आप लोगों ने, आप लोगों ने उसको मार डाला। हम आज एक स्ट्रांग एग्जाम्पल नहीं सेट करेंगे तो ऐसे जो हैवान है बाहर सोसाइटी में वो अपनी यह हैवानियत को बहुत चरम सीमा पे लेके जाएंगे। मैं जा रही थी ऑर्चर्ड टू हॉस्टल और मुझे कोई ऑटो वाला जस्ट की पता नहीं इसको उसने कॉल किया, ही इज लाइक एक कबूतर है बहुत फटफड़ा रहा है, सोच रहा हूँ क्या करूँ, कितना पूरा गवर्नमेंट एरिया है, पुलिस ग्राउंड है, वहाँ पर कमिश्नर ऑफिस है, मेरा हॉस्टल बीच में से इतना नजदीक है, स्टिल आई एम लाइक पता नहीं मुझे क्या करेगा वहाँ पर, गवर्नमेंट की फैसिलिटी देखने में डर बहुत है। जब एक घर में बेटी पैदा होती है और डॉक्टर बनती है तो वो गर्व से कहते हैं कि मेरी बेटी आज से समाज की सेवा कर रही है और देश की सेवा कर रही है। वो उस दिन हमारी जो सहेली थी कोलकाता में, वो अपने खुद के लिए वहां नहीं गई थी भाइयों, शी वॉज देयर फॉर आवर ड्यूटी। वो रात भर अपनी नींद त्याग कर, अपनी फैमिली टाइम को त्याग कर वो क्या कर रही थी? वो लोगों की सेवा कर रही थी, आपके मुश्किलों से आपको मतलब आपकी जो दर्द है वो कम करने वो गई थी वहां पे, लेकिन आपने उसको क्या दिया तोहफे में? उसकी बलात्कार किया आप लोगों ने, आप लोगों ने उसको मार डाला, इस देश की एक बेटी को मार डाला। अगर असल में हम देखें तो हमारी देश अपनी बेटियों को फेल कर चुकी है, आप लोग आपके डॉक्टर्स को फेल कर चुके हैं। इससे किसको नुकसान होगी? कल आप ही को नुकसान होगी। जब आप लोगों को सचमुच में एक इमरजेंसी सिचुएशन में एक डॉक्टर की सख्त जरूरत पड़े तो कोई डॉक्टर आगे नहीं आएगा। वो क्यों रिस्क ले? वो क्यों चाहे? कोई माँ बाप क्यों चाहे कि उनकी डॉक्टर बेटी की बलात्कार हो, जिसको बुरी तरह से मार दिया जाए? कोई नहीं चाहता है। अगर आज दिस कंट्री हैज टू सेट एन एग्जाम्पल, हम आज एक स्ट्रांग एग्जाम्पल नहीं सेट करेंगे तो ऐसे जो हैवान है बाहर सोसाइटी में वो अपनी यह हैवानियत को बहुत चरम सीमा पे लेके जाएंगे। नाउ थिंग्स मस्ट चेंज। ऐसे लोग डॉक्टर के ऊपर बलात्कार नहीं, अगर अस्पताल में कोई तोड़फोड़ भी करना हो या डॉक्टर के साथ कोई मारपीट भी करना हो तो वो 100 बार सोचेगा पहले इनको फांसी पे चढ़ाओ, और वो हर कोई जो डॉक्टर को पीट रहा है उनको सख्त से सख्त सजा दो, तब बदलाव आएगी। अभी तक सिर्फ यही सुन रही है कि मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, बट देखने तो अभी तक कुछ भी नहीं मिला। सीरियसली पहले जमाने में ऐसा होता था, बच्ची पैदा होती थी मार डालते थे, बट अब के जमाने में ये नहीं है, पैदा हो रही है, बढ़ रही है, पढ़ रही है, बट फिर भी सेफ्टी नहीं है। वेयर्स द सेफ्टी? और सिर्फ नारेबाजी करने से जस्टिस नहीं मिलेगा, एक्शन लेना जरूरी है। सीबीआई को दो, कहीं भी दो, कुछ भी करो, बट सेफ्टी मैटर करती है। ज्यादा से ज्यादा क्या मांग रहे? सीसीटीवी कैमरास, रेस्ट करने के लिए जगह और सेफ्टी, और कुछ भी नहीं मांग रहे। नारेबाजी करेंगे जस्टिस नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट शुड टेक एक्शन थ्रू इट। देखना चाहिए, जरूरी है, मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, अभी तक तो कभी कहीं बढ़ा नहीं। सिर्फ यही केसेस सुनने में आ रहे हैं, कल वो हुआ, आज ये हुआ। वी आर सीरियसली, डर लग रहा है घर के बाहर निकलने के लिए। आधे से ज्यादा हमारे फ्रेंड्स और स्पोर्ट्स में नहीं आए, क्यों? घर दूर है, रात को वापस जाएंगे तो सेफ्टी नहीं है, क्या करेंगे? एंड मैं मुंबई से हूँ और मैं बहुत अपने पेरेंट्स को बोल के बता के समझा के हॉस्टल में स्टे कर रही हूँ। मेरी बहुत बड़ी फैमिली है, बट जस्ट बिकॉज ऑफ सम रीजंस आई एम स्टेइंग इन हॉस्टल। बट अब मुझे ऐसा लग रहा है, इतना डर लग रहा है, इतना सा कम डिस्टेंस है, लाइक जिम्स हॉस्पिटल टू एचके कॉलेज इज बहुत थोड़ा डिस्टेंस, बट इतना साइलेंस होता है वहाँ पर, जाने को सोचने को भी डर लगा कि मैं निकलूँ कैसे। व्हेन आई वाज, अभी आज का जो प्रोटेस्ट था वो जगत सर्कल से स्टार्ट होने वाला था, आई वाज वियरिंग एप्रॉन और मुझे वहां से जब मैं देख रही थी कि कोई था नहीं तो मुझे डर लग रहा था कि कोई आके मेक पे अटैक ना करे, कोई कुछ हो ना जाए, कोई मुझसे कुछ पूछेगा, कोई क्या करेगा, मतलब बिल्कुल भी सेफ फील ही नहीं। आई एम अ मुंबई कल, मतलब हम इतने बिंदास हैं, हम सबको सामने खड़े हो कुछ भी सुना सकते हैं, कोई लड़का अगर हमें टच करे तो हम ऑन द स्पॉट दो गाल के नीचे लगा के दे सकते हैं, बट जो चीजें अभी हो रही है वो देख के तो ऐसा लगा कि अब हम खत्म, लाइक कोई सेफ्टी नाम की चीज ही नहीं है, घर वालों से बात करने की हिम्मत नहीं, किसी को कुछ बोलने की भी हिम्मत नहीं, कुछ समझ में ही नहीं आ रही, होगा क्या, चल क्या रहा है, पता नहीं, जस्ट फीलिंग कि हम अनसेफ है। अब क्या क्या सेफ्टी जरूरी है? ऑफ कोर्स हमें किसी पे ट्रस्ट ही नहीं, किसी मेंस पे ट्रस्ट नहीं है, और अगर कुछ हो भी जाता है तो हमें पता है कि विक्टिम तो हम ही बोलेंगे, सब हमको ही बोलेंगे हमने ही गलती की है, हमने ही कुछ किया है, हम ऐसे चल रहे थे, हम ऐसे जा रहे थे, हम ये कर रहे थे, कोई ये नहीं दिखा कि कभी कुछ कर रहा है।
I was on a call yesterday. मैं जा रही थी ऑर्चिड टू हॉस्टल और मुझे कोई ऑटो वाला जस्ट कि पता नहीं किसको उसने कॉल किया, he's like एक कबूतर है बहुत फटफड़ा रहा है, सोच रहा हूँ क्या करूँ, कितना पूरा गवर्नमेंट एरिया है, पुलिस ग्राउंड है वहाँ पर, कमिश्नर ऑफिस है, मेरा हॉस्टल बीच में से इतना नजदीक है, स्टिल आई एम लाइक पता नहीं मुझे क्या करेगा वहाँ पर, गवर्नमेंट की फैसिलिटीज इतने में डर बहुत है, तो ऐसे लोग हैं मतलब गवर्नमेंट पर हमें ट्रस्ट ही नहीं है, तो गवर्नमेंट शुड टेक एक्शन समथिंग, तो हम लोग को सेफ फील हो, वी आर मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, हम इतने ज्यादा इंडिपेंडेंट हैं, सब कुछ चल रहा है बट स्टिल वी आर नॉट सेफ, अब ऐसा लगा मैं मुंबई कब भाग जाऊँ, बिकॉज आई एम नॉट सेफ हियर।